दबंग को काला पानी किस लिए बोलते हैं? काला पानी जो है काल और सावल पर पोल्ट्री। नाम मुस्तफ़ा है और पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन, अंग्रेज़ों का ऑफिस, सभी कुछ इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, पुराना गेट है 117 ईयर्स ओल्ड, 117 साल पुराना, यानी कि पूरा सेलुलर जेल 117 साल पुराना हो गया। ये जेल 1906 में बना था, 1906 का जेल है। सामने में देखिएगा दो ज्योत जल रहा है और दोनों है सेम ज्योत, स्वातंत्र ज्योत, शहीदों के रिस्पेक्ट में जलाया गया। पहला ज्योत का उद्घाटन हुआ था 2004 अगस्त 9, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया, 24 घंटा जलता रहेगा। सेकंड ज्योत का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2016, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री गिफ्ट करते हैं। लगभग 48 सिलेंडर के करीब महीने में यूज़ होता है, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री देते हैं। जो कि विजय प्लेटफॉर्म है, आगे के स्तंभ है, उसे बोलते हैं शहीद स्तंभ, मार्टियस कॉलम है। 1857 के वीरों और उन सभी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में तैयार किया जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। उद्घाटन हुआ था 23 फरवरी 1985, उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। अंग्रेजों के समय में उसी जगह पे क्रांतिकारियों के लिए हॉस्पिटल भी हुआ करता था, वो हॉस्पिटल हट गया और वहीं पे शहीद स्तंभ बन गया। और ये पीपल का पेड़ मोटा वाला, ये काफ़ी पुराना पेड़ है, जेल बनने से पहले पेड़ वहीं पे, मतलब 1893 से पहले का पेड़ है, 100 साल से ज़्यादा इसका उम्र है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना पुराना पेड़ है। और रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें यही पेड़ विटनेस के तौर पर स्टोरी सुनाता है। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या किया अत्याचार अंग्रेजों ने, क्या स्टोरी सुनाने के लिए स्पीकर में जो आवाज़ है वो फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी का आवाज़ है। तो जून 28, 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ जो है जड़ से उखड़ कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके फिर से वहीं पर रीप्लांट कर दिया। तो उसका ही एक डाल है जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ न्यू लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल पेड़ का ही डाल। और आगे देखिएगा अलग सा दो कमरा दिख रहा है, दोनों ओरिजिनल कमरा है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना जो है इन कमरों में तैयार किया जाता था, अब इसे ऑफिस में तब्दील कर दिया, तो उसके अंदर पहले का कुछ भी नहीं। और उसी के आगे है फांसी घर, हम शुरुआत सेलुलर जेल के फांसी घर से करेंगे, पहले हम फांसी घर देखेंगे, उसके बाद कार्यस्थल जहाँ पे क्रांतिकारी नारियल तेल, सरसों का तेल निकालते थे, कैसे कैसे पनिशमेंट उन्हें दिया जाता था उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद जेल भी देखेंगे। तो फांसी घर से पहले काला पानी के बारे में बता दूँ कि अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं। काला पानी जो है काल और पानी, ये दो शब्द से मिलकर के बना है। काल जो है संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। कोई कह दी अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। अब यदि कोई कह दी भागे तो कहाँ तक, आसपास के जंगलों में, वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे वो मारते थे, जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे, अंग्रेज़ ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी था, बोलते बोलते हो गया काला पानी, तो लोग क्या सोचने लगे ये ब्लैक वाटर है, लेकिन ये ब्लैक वाटर नहीं है, ये है काल पानी। और अंडमान में कैदियों को भेजना शुरू किया था अंग्रेज़ों ने 10 मार्च 1858, तब उन लोगों को रखते थे वाइपर आइलैंड, समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड है इस डायरेक्शन में। और अंडमान का पहला जेल अंग्रेज़ों ने वहीं पे बनाया था 1867, लेकिन वो जेल सेलुलर जेल के जैसा बड़ा जेल नहीं था, छोटा जेल था। और आज वाइपर आइलैंड में केवल फांसी घर गार्ड रूम बचा हुआ है, बाकी वहाँ का मैक्सिमम टूट गया। और उसी फांसी घर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को, जिन्होंने 8 फरवरी 1872 अंडमान में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड मेयो को मारा था। बाद में शेर अली जी को वाइपर आइलैंड के फांसी घर में फांसी पे चढ़ा दिया। यदि आज आप लोग जाते वाइपर आइलैंड घूमने तो वो फांसी घर देखने को मिलता जहाँ पे शेर अली जी को हैंग किया था। तो हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर से। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना जो है इन दो कमरों में तैयार किया जाता था, अभी से ऑफिस बना दिया और इसके आगे है फांसी घर। और फांसी सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे, इंडिया में जेल थे वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो क्रांतिकारी आते थे, ज़्यादातर जो आते थे आजीवन कारावास वाले क्रांतिकारी,
फिर आने के बाद राजनीतिक बंदियों का डॉक्टर से डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था और जबरदस्ती खाना खिलाने के दौरान। जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब क्रांतिकारी भूख हड़ताल करते थे, उनका भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया गया, चावल का मांड और मिल्क। अब उस वजह से जो है 10 दिन के भीतर 3 क्रांतिकारियों का डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा, मोहन किशोर रामदास जी। यहाँ फांसी उन्हीं को दिया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश अधिकारी को मारा हो, सिपाही को मारा हो या फिर जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा, उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तब यहाँ पे फांसी देते थे। तो सलूलर जेल के फांसी घर में कितने लोगों को फांसी दिया गया इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और फांसी घर अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे। अगर लोगों ने कमरा बना दिया, ऊपर एक लकड़ी का बीम है ओरिजिनल है, नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म वो भी ओरिजिनल है, रस्सी जो है बदल दिया, 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। ऊपर अंदर लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है वो खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को खुलेगा, नीचे 8 फीट गहरा कमरा, कैदी झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके साइड में एक लोहे का गेट है, उस गेट से फिर बॉडी बाहर ले जाते थे। पहले आप ऊपर चढ़ेंगे, रस्सा वगैरह देखेंगे, नीचे को उतरेंगे, 8 फीट जो कमरा है बाहर से देखिएगा, घूम करके आएगा, उसके बाद ये फिर सभी लोग इकट्ठा होंगे सामने। रस्सी नया है, रूम नया देख करके नहीं छोड़ा। ये जो ब्रिक्स है वो पुरानी ही है, ये लकड़ा है जो नया, ओके नया, ओके खुला था। ऐसे जो बिल्डिंग थे 7 और 7 बिल्डिंग्स में टोटल कुल मिलाकर के कमरे थे 693 693 कोठरियां और सब एक जैसे ही कमरे थे। लेकिन इस बिल्डिंग का नीचे का ग्राउंड फ्लोर का 4 कमरा जिसको अंग्रेजों ने अलग करके रखा था, यहाँ पे उनको रखते थे जिनको फांसी की सजा सुना देते थे, और इस कमरे को बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, कंडेम्ड सेल। और फांसी पाने वालों को डेट फिक्स होने तो वहीं पर रखते थे, और जिस दिन फांसी का डेट फिक्स हो गया, पीछे देखिएगा एक छोटा सा व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म आ गया सीढ़ीनुमा, वो प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है। सवेरे कैदी को वहीं पे लाते थे, बिठा करके स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, और आखिरी इच्छा पूछा जाता था, उसके बाद फिर उनको हैंग करते थे। और सलूलर जेल में रहने वाले क्रांतिकारियों के लिए टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज़ कर सकते थे। कुछ क्रांतिकारियों को कमरे में ही काम देते थे, अकेले काम करो, अकेले क्या काम करेंगे, नारियल के छिलके से रस्सी बनाएंगे या केन वर्क बेंच का कुर्सी बनवाते थे। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं जाना है, अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसी में जाना है। शाम 6 बजे से सवेरे 6 सभी को लॉकअप में बंद रखते थे, अंदर कोई टॉयलेट का सुविधा नहीं, सभी को मिलेगा मिट्टी का पॉट, और जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, और अगले दिन स्वीपर साफ करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट मिलता था, जो जंग से चुपड़ा हुआ प्लेट होगा, तेल लगा करके दे देंगे। खाने में मिलेगा दाल चावल रोटी सब्जी, और उतना ही देते थे कि जिंदा रहे पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिन में 2 बार ही मिलता था, वो भी साफ नहीं, और रात में कोई रोशनी नहीं, अंधेरे में रहते थे। सोने के लिए लकड़ी का बेड मिलता था, बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लंबाई करीब 6.5 फीट, तो एक बेड एक कंबल सभी को मिलता था। और अभी हम चलेंगे कार्यस्थल जहाँ पे क्रांतिकारी नारियल तेल सरसों का तेल निकालते थे, कैसे कैसे अत्याचार उन पे किया जाता उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद जेल देखने के लिए बाहर पाएंगे। अभी पीछे जो है इस तरफ आ जाए, जो पीछे इस तरफ आ जाए स्थल, और ये जो कार्यस्थल है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो क्रांतिकारी रहते थे उनमें से कुछ क्रांतिकारी कमरे में काम करते थे, कुछ क्रांतिकारियों को जेल से बाहर ले जाते थे। बाहर का क्या काम, जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना, और जेल के अंदर में काम होगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाना, केन वर्क, और वर्कशेड में काम होगा नारियल तेल निकालना है, सरसों का तेल निकालना है।
तो बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था, अंधेरा होने से पहले जेल में वापस भी आना है। लेकिन जेल के अंदर जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था, कंप्लीट ना करे तो उनको सजा भी मिलता था। जो बड़ा वर्कशेड था अभी से मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दी, नीचे का फर्श ऊपर का छत लकड़े का जाला चेंज कर दिया, जगह है ओरिजिनल, जो ओरिजिनल पोलो है वहीं पर है, ऐसे बहुत सारे थे। अब एक बचा है नारियल का सूखा हुआ कोबरा, उसके अंदर भरेगा, साइड में दो वजन लगा देगा, वजन लगेगा चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर बीच में चला जाएगा, पीछे पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा, अंदर एक पाइप होता था गड्ढे में रखेंगे बर्तन, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक क्रांतिकारी को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। सरसों का तेल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। अब जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में, इतना तेल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ क्रांतिकारी कोल्हो चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार भी करते थे, तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे, जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी क्रांतिकारी ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। और सेलुलर जेल ने 1909 से लेकर 1938 30 साल के अंदर में लगभग 650 के करीब पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर भेजे गए थे, 650 के करीब राजनीतिक बंदी भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे और जो राजनीतिक बंदी भेजे गए थे लिस्ट लगा है टॉप, जब आप लोग जाएंगे पढ़ सकते हैं, तो लिस्ट आप लोग देखेंगे तो अननोन फ्रीडम फाइटर का नाम ज़्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कम मिलेगा। कुछ क्रांतिकारियों का नाम जो इस जेल में रहे थे, विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, वरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा बान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदुभूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सानिया, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरी, नैनीगोपाल दास, गोपेन रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सुजीकी, हरबंधु समझदर, धनवंतरी, कोटैया कोरप्पू, पांडुपाडल बोनांगी, सन्यासैया बोलेगली, सन्यासी कुंचटी, सत्यनारायण राजू, वीरैया दोरतगी, प्रतिभादी भयंकर वेंकटेश्वर, सचिदानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनी रंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफी, अब्दुल कादिर चौधरी, मंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, दाजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा बिशन सिंह, बाबा छत्तर सिंह, बाबा चूहर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा गुरदेव सिंह, बाबा वसावा सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा हजारा सिंह, बाबा हरदेव सिंह, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी इस जेल में रहे थे। देख लिया ओरिजिनल कोल्हो, यहाँ पे है आर्टिफिशियल, किस तरीके से कोल्हो चलाते थे उस पोजीशन को दिखाया गया। और यहाँ पे क्रांतिकारी बैठ करके नारियल का छिलका निकालते, छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटेंगे, जब छिलका नरम हो जाता था उसके बाहरी छिलके को हटा देंगे, फिर अंदर का जो रेशा है उसे पानी में भिगोते थे, फिर जब नमी हो जाता था फिर से बाहर निकालते थे, कूट करके धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल करेंगे तो बनेगा रस्सी, नारियल के छिलके का रस्सी। तो रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को देता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्सी तैयार करना है, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं, और जिनका 4 पाउंड हुआ नहीं उनको तो पनिशमेंट मिलेगा ही, और जिनका रस्सी गीला होता था उनको भी पनिशमेंट मिलता था। पनिशमेंट से आगे बताएंगे, रस्सी रोल करने का मशीन आगे है, सजा यही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है, इस फ्रेम को बोलते हैं ब्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाने के बाद पांव को ब्लॉक करते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में लगाते थे हथकड़ी ताकि मारते वक्त क्रांतिकारी इधर उधर हिल भी न पाए, फिर एक पतला सा टावल गीला करके पहनाते थे, उसके बाद मारते थे बैक साइड में चाबू से, एक ही जगह बार बार मारते थे, यहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे, फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। और मारते वक्त बाकी क्रांतिकारियों को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे, और मारने वाला भी इंडियन था। सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू और लुटेरे, उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे, किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। अब इनका क्या फायदा, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का भी जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी जरूरत असल नहीं है, सभी कुछ हम लोगों ने मॉडल ही रखा है। जो क्रांतिकारी पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा उसमें हथकड़ी में रखेंगे, उसे कड़ी हथकड़ी बोलते हैं। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखने के बाद अगला पनिशमेंट भी है, 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनाते थे, ये पहनने से गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा।
यूनिफॉर्म, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट और एक व्हाइट कैप, और सभी के गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, क्रांतिकारियों का आइडेंटिटी। लिखा होता था कितने साल से कितने साल का सजा दी है, जेल का नंबर और कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और तीन तरह के पनिशमेंट फिटर, पहला है चेन फिटर। चेन फिटर जिन क्रांतिकारी को पहनाते थे सजा के लिए एक साल, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। कमर में चेन है, पाँव में भी चेन है, लेकिन हाथ फ्री है, चल फिर सकता है, लेकिन चलते वक्त वजन रहेगा पाँव में। बीच वाला है बार फिटर, 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो, फिर जब चलो बार पकड़ करके ही चलो, नहीं पकड़ेगा बार तो चल ही नहीं पाएगा। और क्रॉस बार जिसको डंडा बेड़ी भी बोलते हैं, 10 दिन के लिए है, दिक्कत उसी में ज्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है, पाँव दूरी में ही रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। जब उठी से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव भी हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खिसता जाता था। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 1906 में जेल तैयार हुआ 13 साल के। वैसे अंग्रेजों का जेल बनाने का प्लान था 3 साल का, और उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज़, 5,17,352 रुपये। लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना और ना ही जेल 3 साल में कम्प्लीट हुआ। इसमें नहीं कम्प्लीट हुआ, ये बड़ा पहाड़ था, इसे काट करके मैदान बनाने में ही 3 साल लगे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 साल लगे, तो खर्च बढ़ गया। 7,83,994 रुपीज़ खर्च हुए थे, 7,83,994 रुपये खर्च हुए, और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। तो जो ईंट दिख रहा है ये ओरिजिनल ईंट है, जो अंडमान में ही तैयार किया, बाकी मटेरियल बर्मा से लाया गया। जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे, और 7 बिल्डिंग्स में कुछ कुल मिलाकर के कमरे थे 693 कोठरियाँ, और एक कोठरी में एक क्रांतिकारी ही रखते थे। अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, षड्यंत्र ना रचे, दो चार रहेगा, बातचीत भी होगा, टाइम पास भी होगा, प्लानिंग भी होगा, अकेले रहना सबसे बड़ा टॉर्चर, तो अंग्रेज अकेले ही रखते थे। रूम का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5 फीट, ऊंचाई 10 फीट, कमरा जो है बड़ा है। रोशनदान भी है पीछे की और 8 फीट ऊपर, ताकि क्रांतिकारी अंदर से बाहर देख ना पाए। और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का है फ्रंट साइड तो दूसरे का है बैक साइड, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच में कोई कम्युनिकेशन ना रहे, एक दूसरे को देख भी नहीं पाएगा, बात भी नहीं कर पाएगा। काम करने के लिए 7 में से 4 खंड के आगे कारखाना, वहाँ पे क्रांतिकारी नारियल तेल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में है सेंट्रल टावर, सेंट्रल टावर के टॉप पे होगा सिंगल गार्ड, ऊपर से बाउंड्री वॉल वॉच करेगा, उनके अलावा 21 गार्ड दिन रात पहरा देते थे, और हर फ्लोर पे गार्ड होता था, और हर 3 घंटे में उनका ड्यूटी बदलता रहेगा। तो अभी हमारे पास 7 में केवल 3 बिल्डिंग ही बचा हुआ है, 1 नंबर, 7 नंबर, नीचे एक और बिल्डिंग भी है नंबर 6, बाकी 4 हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। कैसे टूट गया? 1941 अंडमान में भूकंप आया था, भूकंप में मेन हिस्सा क्या गिरा, वॉच टावर का ऊपरी हिस्सा, बाकी बिल्डिंग थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, उसके बाद जेल का मरम्मत नहीं हुआ। फिर 1942 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में अंडमान में जापानियों का शासन रहा 3.5 साल, उस दौरान उन लोगों ने क्या किया, जो टूटा हुआ खंड है उसमें से काफ़ी ईंट अपने कामों में लगा लिया। फिर आज़ादी के काफ़ी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहता, खराब हो गया, वहाँ पे एक हॉस्पिटल बना दिया, जो आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। हॉस्पिटल का नाम है गोविंद बल्लभपंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रखा गया। और इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड बैरी, जो आयरलैंड के रहने वाले थे। उनका राज रहा 1905 से लेकर 1919, उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ गया, पैरालाइज हो गया, फिर उनको शिप में चढ़ा करके कलकत्ता पहुंचा दिया। अब कलकत्ता पहुंचते ही डेविड बैरी का हो गया डेथ। इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। और सल्लू जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था 11 फरवरी 1979 उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी के द्वारा, 11 फरवरी 1979 राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ था। अब सुनेगा सल्लू जेल का इकलौता क्रांतिकारी जिन्होंने जेल के अंदर में सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 29 अप्रैल 1912 जेल के अंदर में सुसाइड किया था, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908-1909 उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे, हार्ड वर्क का कोई अनुभव नहीं था, ईट के भट्टी में काम करवाने के लिए ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था, जेल के अंदर का काम इतना हार्ड वर्क की बैल न कर पाए, इंसान कहाँ से कर पाएगा, हमेशा उनको सजा भी मिलता था और जेल अधिकारी उनका इंसल्ट भी करते थे, तो परेशान हो गया तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, रोशनदान 8 फीट ऊपर है, इसी में झूल करके सुसाइड कर लिया, ऐसे वो क्रांतिकारी जेल में शहीद हो गए। दूसरा क्रांतिकारी पंडित राम रक्का बाली जी, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग पहनते ना धागा जैसा, अंग्रेजों ने कहा जेल के अंदर इसे पहनने को नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की और उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गए। और तीसरा क्रांतिकारी बाबा बांध सिंह जी, पंजाब के रहने वाले थे, ओल्ड एज वाले क्रांतिकारी थे, लाहौर षड्यंत्र केस 1915 उस केस में अंडमान भेजा गया था, गदर पार्टी वाले थे।
तो जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था, जेलर के साथ बाबा बान सिंह जी का बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया, तो जेलर ने बाबा बान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे क्रांतिकारी सुन रहे थे बाबा बान सिंह जी को गाली मिल रही, तो बदले में बाबा बान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया उनसे भी ज़्यादा जोर से। वो भी सारे क्रांतिकारी सुन रहे थे और जेलर भी देख रहा है कि सारे क्रांतिकारी सुन रहे हैं उसे गाली मिलता, हो गया नाराज। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी क्रांतिकारी मुझसे डरेंगे, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया तो वार्डर को छोड़ दिया उनके कोठरी में पीटने के, और उन दो वार्डर ने बाबा बान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि दो दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा बान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सुनने में जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे, तीन का जिक्र मैंने पहले किया था, फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा, मोहन किशोर नामदास जी, बाकी तीन क्रांतिकारी ये भी थे। और इन सभी का जो स्टैचू है सामने है विनायक दामोदर सावरकर जी के पास, वहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा। और एक बड़े क्रांतिकारी थे, नाम था उल्लासकर दत्ता जी। उल्लासकर दत्ता जी भी अलीपुर षड्यंत्र केस में अंडमान भेजे गए थे, वो भी पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे। तो जिस दिन उल्लासकर दत्ता जी को तेज बुखार था, फीवर था, कांग्रेसों ने कड़ी धूप में ईंट के भट्टी में काम करवाने के लिए बाहर ले गए, वहां जाकर के उल्लासकर दत्ता जी ने काम करने से इनकार कर दिया, तो वापस अंग्रेजों ने जेल में ला करके किया कि 8 घंटे जापानियों के साथ में थे इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष जी के फौज। लेकिन जापानियों का जो जुल्म था वो अंग्रेजों से ज़्यादा हो गया। 1858 में जिन कैदियों को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो अंडमान ने बसा दिया था, अब उनके जो जनरेशन थे उनमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, INA के मेंबर्स थे, कुछ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स भी थे। अब जापानीज क्या सोचते थे, इनमें से कुछ लोग जो है अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के केस में बहुत क्रांतिकारियों को जेल में बंद करके खूब यातनाएं भी दी गई और बहुत से क्रांतिकारियों को जेल से बाहर आने के बाद सिस्टम ये था, जो एक बार अंडमान आ गया, सजा कंप्लीट हो या सजा में छूट मिले, उसके बावजूद उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, अंडमान में ही बसाते थे। जमीन देंगे, खेतीबाड़ी करो और अंडमान में रहो। तो अंडमान के जो लोकल्स हैं उन कैदियों का ही जनरेशन है। सुले जल में जो क्रांतिकारी थे मैक्सिमम वापस लौट गए, कुछ परिवार अंडमान में बस गए। एक्सप्लेन खत्म होता है। इसका हम लोग चलेंगे सेकंड फ्लोर पे। आप लोग पहले कमरा नहीं देखेंगे, ऊपर टॉप पे जाए क्योंकि 4:50 में सनसेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा रोशनी रहेगा फोटोग्राफी के लिए। टॉप पे जाएंगे तो सामने छोटा सा आइलैंड दिखेगा जहाँ पे लाल कलर का काफी सारे मकान दिखाई देगा, नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पहले उसी आइलैंड का नाम रॉस आइलैंड था, अंग्रेजों का राजधानी था, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था, इतना डेवलपमेंट था, अब सब कुछ खराब हो गया। आज आप लोग जाएंगे वहाँ घूमने, टूटा हुआ खंडहर, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, हिरन मोर देखने को मिलेगा। और लेफ्ट साइड में यहाँ से जुड़ा हुआ आइलैंड है, जगह का नाम है नॉर्थ बे। नॉर्थ बे के कॉर्नर में लाल और सफेद कलर का लाइट हाउस दिखेगा, वहाँ लोग जाते हैं पानी के नीचे मरीन लाइफ देखने के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग सब वहाँ पे है। और 20 रुपये का जो पुराना नोट है लाल कलर का, उसके पीछे जो फोटो लगा है वो नॉर्थ बे का ही फोटो, फोटोग्राफी करके वापस लौटेगा, मैं सेकंड फ्लोर पे रहूँगा। उसके बाद आप लोग कमरा भी देखेंगे, सावरकर जी का कमरा। तो बिल्डिंग से टावर जाने के लिए बीच में लकड़ी का कनेक्शन है, वो कनेक्शन अंग्रेजों के समय में टेम्पररी था, जब अंग्रेज टावर की तरफ जाते थे लकड़ी का प्लैंक डालते थे, बाद में उस प्लैंक को हटा भी देते थे ताकि क्रांतिकारी टावर से जा ना पाए, अभी से परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 बिल्डिंग बच गया, नंबर 1, 7, इसके पीछे नंबर 6 भी है, बाकी 4 की जगह बड़ा हॉस्पिटल नजर आएगा, वो हॉस्पिटल सरकारी है और सब कुछ वहाँ पर फ्री सर्विस है, दवा खाना ट्रीटमेंट एक्सरे सिटी स्कैन सब फ्री है, सभी लोगों के लिए फ्री है। और वहीं पे क्रांतिकारियों का लिस्ट लगा है, कौन कौन से स्टेट से कितने कितने क्रांतिकारी इस जेल में रहे थे, स्टेट वाइज ईयर वाइज, बॉम्बे से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र, दिल्ली। तो हम सीधे थर्ड फ्लोर पे चलेंगे, वहाँ से फोटोग्राफी करेंगे, मैं सेकंड फ्लोर पे ठहरूंगा, उसके बाद आपका कमरा दिखाएंगे। महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र लिया, मुंबई उसे मुंबई 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 से 3 क्रांतिकारियों का नाम भी मैंने लिया, राजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर। पहला क्या फ्लोर में, थर्ड फ्लोर, ओके चलो जाते हैं। तीसरा बिल्डिंग वो है हॉस्पिटल जो बन गया, इधर पीछे देखिएगा ऊपर से समुद्र का नजारा, रॉस आइलैंड ऊपर क्या थी जवान, ओके ये हॉस्पिटल, यस अपने जो जो ये फर्स्ट उस साइड है, 163 सारा है, ओके ओके अपने कीधु कब।
ओके रोज आइलैंड बिलो नॉर्थ बे रोज आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऊपर आके का पे नॉर्थ बे यस यही चिन्ह है ना 20 नंबर के नोट में पुराने वाले 20 नंबर के नोट में यही फोटो लिया गया है पीछे की साइड ये 7 और वो 6 ज़्यादा पुरानी लगती है हाँ ये पुरानी इसको मरम्मत नहीं है तो पुराने ही ओके और ऊपर जाना है हाँ वॉच टावर है ना ये हाँ ये वॉच टावर पे ही हम खड़े हैं ओके चलो फिर से ऊपर चलते हैं ऊपर आ गया है वॉच टावर से पूरा सभी दिख रहे थे सेंटर है सो आई गॉट दैट ये एक नंबर का बाजू में 2, 3, 4, 5 थे और ये 7, 9, 6 और सावरकर की पोल्ट्री जहाँ फांसी देते थे वो पूरा दिखता था इसीलिए इनको यहाँ रखा था यहाँ फांसी दी जाती थी डीमोटिवेट करने ओके